करो यार, क्या इजी हो जाए यार, तुम मुंह पता नहीं कैसे देते हो, ऐसी कहानी नहीं चल। अच्छा एक मिनट में आ रहा हूँ। हेलो, वेल डन, तुम्हारा काम बहुत अच्छे से हो गया, मुझे पसंद आया। तो इनाम कब दे रही हैं? बहुत जल्द। अच्छा मैं सोची थी कि तुम कुछ दिन शहर से बाहर चले जाओ। मगर क्यों? वैसे ही, बस वैसे ही कह रही थी। नहीं, क्या मतलब? मुझे किसी किस्म का खतरा तो नहीं? अरे नहीं नहीं, क्या खतरा होगा, उसका बाप तो इतना सीधा साधा इंसान है, मुंह छुपाए फिर रहा है, वो कोई तुम्हें नुकसान थोड़ी पहुंचा सकता है। बस मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ। तो फिर मैं शहर से बाहर क्यों जाऊं? वो असल में जो लड़की है ना, वो बहुत तेज है, कहीं वो कॉलेज में तुम्हारा नाम ना ले ले, तुम्हें एक्सपोज करने की कोशिश ना करे, बस इस वजह से तुम्हारी रेपुटेशन की खातिर कह रही थी। पर अगर तुम नहीं समझ तो इम्पोर्टेंट, तो ठीक है, इट डजंट मैटर। मुझे नहीं लगता वो दोबारा यूनिवर्सिटी आएगी, शिकायत तो दूर की बात है। और रही नाम बदनामी की, अगर वो मेरा नाम लेगी तो खुद भी बदनाम होगी। ये भी तुम सही कह रहे हो। अच्छा, तुम्हारा नाम बहुत जल्द मिल जाएगा, तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। ओके, खुदा हाफिज़। सो ये सब कुछ आपका किया हुआ था मामा? नताशा, मैं तो, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप इस हद तक गिर सकती हैं। आपने उसकी सबके सामने इंसल्ट करवा दी, उसके पेरेंट्स कितना एम्बैरेस हो रहे थे, आपने उसकी मंगनी तोड़वा दी, सबके पीछे आप थी। मैं कैसे यकीन कर लूं कि मेरी मामा ये सब कुछ भी कर सकती हैं? देखो मुझसे इतना बदगुमान मत हो, मेरे साथ बैठो तो सही ना, मेरी बात तो सुनो। ये सब मैंने तुम्हारी खातिर किया है। What do you mean कि मेरी खातिर किया है आपने? उन लोगों ने तुम्हें ठुकरा कर फिजा को पसंद किया था, तुम कितना हर्ट हुई थी, इस सब का बदला लेने के लिए मैंने ये किया है। मामा प्लीज, मुझे अपने जुर्म में शामिल ना करें आप। मैं हर्ट जरूर हुई थी पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। क्या मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझे निसार नहीं मिला तो मैं कुछ गलत कर दूंगी? नहीं ना, तो आपने ये सब कुछ क्यों किया? आपने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। नताशा तुम भूल रही हो, तुम भी बहुत डिसहार्ट हुई थी, इसी वजह से तुमने उस बदमाश शेरी से शादी कर ली थी। तुम कितनी तकलीफ में थी, ना सिर्फ तुम बल्कि हम भी कितनी तकलीफ में थे, कितनी लोगों की बातें मुझे सुननी पड़ी। तुम्हारे बाप ने कितना मुझे टॉन्ट किया तुम्हारी तरबियत पर, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैं तो डिप्रेशन में जा रही थी। और आपने अपने डिप्रेशन का ये इलाज किया? आपके सर्कल में निसार से बेहतर कोई काबिल और लड़का नहीं था? कोई और काबिल लड़का नहीं था जिससे आप मेरी शादी करा देती? वो बेहतर इंतकाम नहीं होता मामा, उससे मेरी शादी कराती। लेकिन आपने क्या किया? आपने उनकी मंगनी तोड़वा दी, उसको बदनाम कर दिया, उसको किसी के सामने सर उठाकर बात करने काबिल नहीं छोड़ा। अच्छा तुम बात को बढ़ाओ नहीं, उसकी सिर्फ मंगनी टूटी। तो मामा उन लोगों ने भी तो बस मेरा रिश्ता ही नहीं मांगा था, मुझे तुत्कारा थोड़ी था, पसंद करके छोड़ थोड़ी दिया था, या फिजा ने निसार को मुझसे छीना थोड़ी था। उस बेचारी को तो इस बात की खबर भी नहीं थी। नताशा तुम इतना गुस्सा मत करो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, अभी भी कितना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। उस निसार को कोई और लड़की मिल जाएगी, फिजा से 1000 गुना बेहतर, और फिजा को भी कोई लड़का मिल जाएगा। और आपको क्या मिल गया ये सब कुछ करके? मेरे दिल को ठंडक पड़ी और बस। तो वो हादिया मेरे घर में घुस आई, उसके बाद उसकी बहन ने मेरी बेटी का हाथ छीन लिया, दोनों बहनों ने मेरे दोनों बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा था। मामा हादिया तो अभी भी इसी घर में है और निसार भी अभी तक मुझे मिला नहीं है, तो ये कैसी ठंड है? बहुत गलत किया है आपने।